आईपीएल के दो सबसे विस्फोटक ओपनर डेविड वार्नर और जॉस बटलर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम इन्हीं दो प्लेयर्स के बीच आईपीएल बैटिंग कंपैरिजन करने वाले हैं, जहां पर मेरे लेटेस्ट वीडियो पर दो कमेंट्स आए थे। एक थे जो मिले सब कुछ क्रिकेट का और दूसरा था राघवेंद्र स्वामी का। इन दोनों ने कहा था डेविड वार्नर वर्सेस जॉस बटलर के ऊपर आईपीएल बैटिंग कंपैरिजन करने के लिए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इन्हीं दो प्लेयर्स के बीच बैटिंग कंपैरिजन करने वाले हैं, तो बहुत ही मजेदार यह वीडियो होने वाला है। आप इस वीडियो को देखते रहिए बिल्कुल लास्ट तक। और वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट, अगर आप भी जॉस बटलर को एक खतरनाक बल्लेबाज मानते हो तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लो। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, यहां पर हम आपको सबसे पहले बता देते हैं डेविड वार्नर का जो आईपीएल डेब्यू था वो 2009 में हुआ था और उनका करेंट प्राइस जो है वो 12.5 करोड़ रुपए है। बात कर लेते हैं जॉस बटलर के बारे में, तो जॉस बटलर ने 2016 में आईपीएल में डेब्यू किया था और इनका करेंट प्राइस ऑक्शन प्राइस जो है वो 4.40 करोड़ रुपए है। अब हम सबसे पहले नजर डालेंगे आईपीएल 2019 के स्टैट्स के ऊपर। तो यहां पर सबसे पहले हम नजर डाल लेते हैं जॉस बटलर का परफॉर्मेंस आईपीएल 2019 में किस प्रकार का था। तो बटलर ने आईपीएल 2019 में 8 मैचेज में 311 रन बनाए थे, जहां पर इनका हाईएस्ट स्कोर 89 था, एवरेज इनका 38.87 का था, वही स्ट्राइक रेट 151.70 का था। यानी कि जॉस बटलर का लास्ट ईयर जो है वो काफी कमाल का गया था, एवरेज भी काफी अच्छा था और साथ ही साथ स्ट्राइक रेट भी इनका काफी कमाल का था। अब बात कर लेते हैं डेविड वार्नर के लास्ट ईयर परफॉर्मेंस के ऊपर। तो डेविड वार्नर ने आईपीएल 2019 में 12 मैचेज खेले थे, जहां पर 12 इनिंग में इन्होंने बल्लेबाजी करी थी, 692 रन बनाए थे। लास्ट ईयर यह सबसे बेस्ट बैट्समैन थे और साथ ही साथ इन्होंने एक शतक भी लगाया था। इनका एवरेज जो था वो 69.20 का था, जो कि 2020 में एज ए ओपनर काफी कमाल का एवरेज माना जाता है, और स्ट्राइक रेट 143.86 का था। तो दोनों प्लेयर्स के लास्ट ईयर बैटिंग कंपेरिजन के ऊपर नजर डाला जाए तो मेरे अंदाजे से डेविड वार्नर का पलड़ा काफी ज्यादा भारी है जॉस बटलर पर। हालांकि स्ट्राइक रेट डेविड वार्नर का जॉस बटलर से थोड़ा सा कम है, जहां पर डेविड वार्नर का स्ट्राइक रेट 143 है, वही जॉस बटलर का स्ट्राइक रेट 151 है। अब हम बात कर लेते हैं आईपीएल के ऑल ओवर स्टैट्स के ऊपर, यानी कि अभी तक आईपीएल हिस्ट्री में इन दोनों प्लेयर्स का परफॉर्मेंस किस प्रकार का रहा है। तो यहां पर आपको सबसे पहले बता देते हैं जॉस बटलर के बारे में। तो बटलर ने अभी तक आईपीएल हिस्ट्री में 45 मैचेज खेले हैं, जहां पर यह 6 बार नॉट आउट रहे। इनके बल्ले से टोटल 1386 रन निकले हैं, 95 इनका नॉट आउट हाईएस्ट स्कोर रहा है, वही इनका एवरेज जो है वो 35.53 का रहा है, स्ट्राइक रेट इनका 150 का है और काफी कमाल का इनका स्ट्राइक रेट है अभी तक आईपीएल हिस्ट्री में। बात कर लेते हैं डेविड वार्नर के बारे में। तो वार्नर ने अभी तक आईपीएल हिस्ट्री में 126 मैचेज खेले हैं, जहां पर इनके बल्ले से 4706 रन निकले हैं, 126 इनका हाईएस्ट स्कोर, इनका एवरेज 43.17 का और स्ट्राइक रेट जो है वो 142.39 का। तो फ्रेंड्स, लास्ट में अगर इन दोनों प्लेयर्स के आईपीएल बैटिंग कंपैरिजन का कंक्लूजन निकाला जाए तो मेरे अंदाजे से डेविड वार्नर का पलड़ा जॉस बटलर पर भारी है। हालांकि जॉस बटलर का स्ट्राइक रेट जो है वो डेविड वार्नर से काफी ज्यादा अच्छा रहता है और एवरेज में जॉस बटलर डेविड वार्नर से थोड़ा सा मात खा जाता है, लेकिन जैसे जैसे आईपीएल आगे चलेगा जॉस बटलर का परफॉर्मेंस अच्छा होता जाएगा और डेविड वार्नर का भी परफॉर्मेंस अच्छा होता जाएगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपने इस वीडियो को जरूर इंजॉय किया होगा। तो इंजॉय किया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप नेक्स्ट कंपैरिजन किस दो प्लेयर्स के बीच में देखना चाहते हो आप अपनी राय कमेंट करके दे सकते हो, जहां पर एक प्लेयर जो है वो बेन स्टोक्स रहने वाला है, आपको सेकंड प्लेयर का नाम कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।